चला रहे हैं, ये पावरफुल पीपल इन द सोसाइटी चला रहे हैं। जिस जगह शादी का जोड़ा 50 लाख का बिकता हो, जरा बताएं तो उस बुटीक के ऊपर इतना टैक्स लिया है। इस शहर के अंदर 22,000 ज्वेलर है, 2,000 रजिस्टर्ड है फाइलर में। दुकान कैसे खुल सकती है बगैर फाइलर बने हुए? किसी दुकान को खोलने की इजाजत नहीं होनी चाहिए जब तक वो फाइलर नहीं बने। पहले उसका बिजनेस का अपना इनकम टैक्स सर्टिफिकेट लेना चाहिए। जिस साल का वो टैक्स रिटर्न नहीं जमा करे वो दुकान बंद कर दो। आप ब्लैक सेक्टर के लोगों को जो टैक्स नहीं दे रहे, कौन कौन टैक्स पूरा नहीं देता? रिटेलर, भाई रिटेलर की मजबूरियां तो सुनो, उसको समझाओ तो कि टैक्स देना क्यों जरूरी है, उससे समझो तो कि उसका मुनाफा कितना होता है। देखिए आमदन, पहली चीज है, बुनियादी चीज हम नहीं समझ रहे। टैक्स हमेशा आमदनी पे होता है, सोर्स ऑफ इनकम पे नहीं होता। हाँ, मुल्क के अंदर सोर्स ऑफ इनकम पे टैक्स हो रहा है। आप अगर एग्रीकल्चर में कोई टैक्स नहीं, आपने पोल्ट्री फार्म भी 15 लाख मुर्गियों का भी पोल्ट्री फार्म बना दिया, उसके ऊपर कौन सा टैक्स है? टैक्स फ्री। आपके पास कैटल फार्म है वो भी टैक्स फ्री। हर चीज आपने जो सहूलतकारी कर रहे हैं, आपकी कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं, कोई एग्रीकल्चर पॉलिसी नहीं, कोई माइनिंग पॉलिसी नहीं। ऐसे काम के लिए मुल्क के लिए क्या चाहिए? पॉलिसी, लॉन्ग टर्म पॉलिसी। आदमी इन्वेस्टमेंट वहां करता है जिधर उसको पता हो। उसको चाहिए क्या? उसको नॉन पॉलिसी चाहिए कि गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसी तो नहीं तब्दील होगी, इंपोर्ट ड्यूटी स्ट्रक्चर तो नहीं चेंज होगा, एक्सपोर्ट के ऊपर कोई ड्यूटीज तो नहीं लगेंगी। ये चाहिए कि नहीं चाहिए? हर सरमायाकार को दी कोई गारंटी दी कि ये ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई तब्दीली नहीं? दूसरी चीज, आपको जो रेवेन्यू बेस है उसको आपको डिवाइड करना है बिटवीन द प्रोविंसेस एंड द फेडरेशन। प्रॉपर्टी टैक्स बहुत बड़ी मत है। सिंध गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट, केपी की गवर्नमेंट जो उसका पोटेंशियल है उसका 10% भी नहीं जमा कर रहे, कोई चेक नहीं है। तो हमारे मुल्क के मसाइल का हल है, लेकिन ये हल नहीं है जो औरंगजेब साहब ने दिया। हम पूरा शेडो बजट भी बना के पेश कर सकते हैं, इसीलिए मैंने अपने मैनिफेस्टो की तरफ आपको निशानदेही की। आप वो मैनिफेस्टो पढ़िए, मुझसे आप उसकी हार्ड कॉपी भी ले सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी तो मैं आज आपको भेज दूंगा, और हार्ड कॉपी आप मुझसे 10 दिन के बाद ले लीजिएगा। सर, ये देखिए बात ये है कि मैं बुनियादी तौर पे कह चुका हूं कि हमारी प्रायोरिटीज फर्क है। हमारी प्रायोरिटी पहले इंसान है, हमारा इंसान, हमारे पाकिस्तानी को भूखा नहीं सोने देना चाहिए। हमारे ये स्टेट की जिम्मेदारी कि नो सिटीजन शुड गो हंग्री, हर शहरी। और तालीम बुनियादी हक है बच्चों का, सेहत भी एक बुनियादी हक है। ये सब चीजें जब हम देंगे उसके बाद हम बाकी चीजों की बात करें। अब जिधर हम फंस गए वो ये है कि जी कर्जे कैसे उतारे। कर्जे उतारने के लिए कर्जे लिए जाओ तो कर्जे और बढ़ते जा रहे हैं। तो उसका एक ही तरीका है, सरकार अपने खर्चे कम करे और अपनी आमदनी बढ़ाए। आमदनी बढ़ाने का तरीका क्या है कि जो लोग अभी टैक्स नेट में नहीं है उनको टैक्स नेट में लाया जाए। बेतहाशा सेक्टर है, ट्रांसपोर्ट है, एक बस चलती है, कितनी लेते हैं इस्लामाबाद जाने तक बताइए नियाजी साहब? टिकट 8,000, 50 सीटें, 4 लाख रुपए की जर्नी है। 4 लाख की जर्नी के अंदर कुछ तो मुनाफा रखता होगा, क्या टैक्स देते हैं? पर सीट टैक्स लगा दो, जो बस का लाइसेंस दो उसका पर सीट टैक्स लगा दो। कहां जाएगा? नहीं चलती बस नहीं चलाएगा या किराया बढ़ाएगा? लेकिन हमें इनकम पे चाहिए। उसके साथ बैठें, डिटरमिन करें कि इस 8,000 रुपए के अंदर खर्चे निकालने के बाद उसको पैसे बचते हैं या नहीं बचते। जो पैसे बचते हैं उस पे टैक्स लें, बस पे ना लें। आज कौन चलाता है?
लैंड क्रूजर की रजिस्ट्रेशन पे टैक्स ज्यादा लो, नहीं चाहिए लाने पे टैक्स ज्यादा लो, अय्याशियों पे टैक्स करो। हमें जब तक अपनी बेल्ट टाइटनिंग नहीं करेंगे एज अ कंट्री, और हर आदमी को ये एहसास होना चाहिए कि मुल्क मुश्किल हाल में है, कुर्बानी देनी जरूरी है, लेकिन वो पूछ क्या रहा है कितने अरसे तक, ये मुश्किल मुझे एक साल बर्दाश्त करनी है, दो साल करनी है, तीन साल करनी है, कितने अरसे, यहां तो 76 साल हो गए, कोई ख्वाब, खर्चे बढ़ते जाते हैं। अभी चीन गए थे 170 लोगों को सरकारी खर्चे पे, क्यों गए थे? ईरान में प्रेसिडेंट की ताजियत करने गए थे पूरा जहाज लेके, क्यों? क्या ये शो करता है कि हम एक मुल्क है जो कि गरीब मुल्क है? एक बिलावल भुट्टो जब केयरटेकर था 250 करोड़ रुपए खर्च किए, जाके 5-स्टार होटल देन 7-स्टार होटल में ठहरते हैं, क्या हम गरीब मुल्क लगते हैं? जिस मुल्क से 10 अरब डॉलर निकल जाए और बड़े दिलेरी के साथ रावण वार जैसे लोग कहते हैं या जजेस कहते हैं कि हमने ये डिक्लेयर की भी है, अरे डिक्लेयर करने की बात नहीं है, पैसे दिया कैसे बाहर ये तो बताओ। इस मुल्क में लूप होल्स हैं, ये मुल्क गरीब नहीं है, इसको गरीब किया जा रहा है, इसके जो आबादी है वो गरीब हो चुकी है, यहां डिस्पैरिटी ऑफ वेल्थ है, अमीर इतना अमीर है कि वो क्या क्या नहीं करता, मैं बयान भी नहीं करना चाहता, आप सुन लेंगे कि आइंदा कोई पाकिस्तानी जो है वो मरीख में जाने के लिए पहला मुसाफिर बन गया। तो इस डिस्पैरिटी को दूर करने की जरूरत है, गरीब को सपोर्ट देने की जरूरत है और बुनियादी जरूरियात देने की जरूरत है, और हैं तरीके। कोई और सवाल जी? थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।